हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चैनल आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन ठीक है अभी तक हमने कौन कौन सी टेक्निक्स कवर कर ली हैं हमने पढ़ लिया है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड के बारे में वी हैव आल्सो कवर्ड द पे बैक पीरियड मैथड एंड द लास्ट जो हमने डिस्कस की थी वो थी नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक के बारे में इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं दिस इज ऑल्सो नॉन एज बेनिफिट कॉस्ट रेशो ठीक है एंड दिस टेक्निक सिमिलर टू एनपी वी अप्रोच एज दिस मेथड आल्सो टेक्स इनटू कंसीडरेशन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस एंड कैश आउटफ्लोस फॉर मेकिंग द कैपिटल बजटिंग डिसीजन तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज की जा रही हैं जैसे कि कैपिटल बजटिंग दूसरा प्रेजेंट वैल्यू और तीसरा इनफ्लो एंड आउटफ्लो तो इन सब टर्म्स का मतलब आपको पता होना जरूरी है कैपिटल बजटिंग क्या होता है कैपिटल बजटिंग आपका डिसीजन होता है रिगार्डिंग वट रिगार्डिंग आप किस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करोगे एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जब फंड्स आते हैं तो उसे डिसीजन लेना होता है कि डिफरेंट डिफरेंट उसके पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तो वो किस अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़े और किस अपॉर्चुनिटी को वो इग्नोर करे ओके okay? ऑर्गेनाइजेशन के पास सपोज कीजिए तीन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं इन्वेस्ट करने के लिए पर उसे किसी एक प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करना है तो वो क्या करेगी उन तीन प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट करेगी और किसी एक प्रोजेक्ट को चूज करेगी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए तो वो इस प्रोसेस को कि एनालाइजिंग द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड चूजिंग द बेस्ट वन उससे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं पर इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसमें से हमने कुछ टेक्निक्स कवर कर ली और कुछ टेक्निक्स हमारी बची हुई हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड जो कि हमारा एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन दूसरा प्रेजेंट वैल्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है करंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अमाउंट कि जो पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी आज के टाइम पर क्या वैल्यू है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू तीसरा हमारे पास है कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो इनफ्लो एंड आउटफ्लो में क्या डिफरेंस है इनफ्लो मतलब जो पैसा ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है और आउटफ्लो मतलब जो पैसा ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मैथड है ये सिमिलर है टू द नेट प्रेजेंट वैल्यू मैथड जो हमने अभी लास्ट डिस्कस किया था और इसमें क्या सिमिलैरिटी है सिमिलैरिटी ये है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मैथड में भी हमने कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को देखा था वहीं पर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मैथड में भी कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को कंसिडर करेंगे तो दोनों में ये तो सिमिलैरिटी हुई बट कुछ डिफरेंस भी होगा ज़रूर होगा और वो क्या होगा आगे बढ़ते हैं जैसे कि नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है द एन पी वी मैथड हैज़ अ ड्रॉबैक एन पी वी मैथड में एक कमी थी और वो क्या कमी थी दैट एन पी वी मैथड डज नॉट गिव सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट वाइल इवेल्यूएटिंग द प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर डिफरेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट एन पी वी मैथड के डिसएडवांटेजेस में हमने एक डिसएडवांटेज पढ़ी थी कि ये जो मैथड है ये वहाँ पर कामयाब नहीं है जहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन्वॉल्व है वो डिफरेंट है सपोज कीजिए ए बी सी तीन डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं और तीनों प्रोजेक्ट में जो इनिशियल इन्वेस्ट अमाउंट है वो डिफरेंट है एक में है सपोज कीजिए वन लैख दूसरे में है एट्टी थाउजेंड और तीसरे में है नाइन्टी थाउजेंड तो अगर डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट में तो वहाँ पर एन पी वी मैथड हमें सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं देगा क्यों नहीं देगा क्योंकि एन पी वी मैथड क्या था एन पी वी मैथड था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ इन्फ्लो में से हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को माइनस करना है तो अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्फ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को माइनस करेंगे तो वहाँ पर हम उस प्रोजेक्ट के साथ चले जाएंगे जहाँ पर एनपीवी हाईएस्ट होगी और हम कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे कि जो हमारे इनफ्लो हैं उनके प्रेजेंट वैल्यू की जो रेशो है टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो वो कितनी है ये मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ सपोज कीजिए आपके पास दो प्रोजेक्ट हैं प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी प्रोजेक्ट ए में जो आपका इन्वेस्टमेंट uh, अमाउंट है वो कितना है हंड्रेड और प्रोजेक्ट बी में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है थाउजेंड और आप जो uh... एस्टिमेट कर रहे हो कि कितना रिटर्न आएगा वो यहाँ पर आप एस्टिमेट कर रहे हो थ्री हंड्रेड और बी प्रोजेक्ट में आप एस्टिमेट कर रहे हो कि जो रिटर्न होगा वो फिफ्टीन हंड्रेड होगा तो अगर हम एन पी वी देखें तो एन पी वी प्रोजेक्ट ए की हुई टू हंड्रेड और प्रोजेक्ट बी की हुई एन पी वी फाइव हंड्रेड तो एन पी वी मैथड के अकॉर्डिंग तो हमें प्रोजेक्ट बी के साथ जाना चाहिए क्योंकि एन पी वी जिसकी हाइएस्ट होती है वो प्रोजेक्ट बेनिफिशियल होता है तो यहाँ पर तो एन पी वी मैथड कह रहा है गो विद द प्रोजेक्ट बी बट अगर हम रेशो देखें तो आप देखोगे कि ए प्रोजेक्ट ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ पर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है वो हंड्रेड है और हमें जो रिटर्न मिल रहे हैं वो थ्री टाइम्स ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट के हैं देख रहे हैं ना सौ रुपए में यहाँ पर हमें तीन सौ रुपए के जो है रिटर्न्स मिल रहे हैं और यहाँ पर हमें हज़ार रुपये में पंद्रह सौ के रिटर्न मिल रहे हैं तो ये सिर्फ वन पॉइंट फाइव टाइम है जबकि ए प्रोजेक्ट में जो रिटर्न है वो थ्री टाइम्स हैं तो यहाँ पर ए प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है जबकि एन पी वी मैथड कह रहा है प्रोजेक्ट बी तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट के डिफरेंट है और जब ऐसा होता है तो एन पी वी मैथड हमें सेटिसफेक्ट्री रिजल्ट नहीं देता है तो वहाँ पर हमें किस मैथड के साथ जाना चाहिए जहाँ पर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ऑफ द डिफरेंट प्रोजेक्ट वहाँ पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड के साथ जाना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड जो है उसका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जैसे कि यहाँ पर प्रोजेक्ट ए में कैसे निकाली जाएगी पी आई वो हम निकालेंगे Uh, हमारी जो इनफ्लो है इनफ्लो है थ्री हंड्रेड और आउटफ्लो कितना हुआ था इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट सौ रुपए तो यहां पर जो रेशियो आई वो आई थ्री इज टू वन की और वही अगर हम प्रोजेक्ट बी की पी आई निकालें तो वो कैसे निकलेगी जो हमारे पास इनफ्लो uh, की अमाउंट है फिफ्टीन हंड्रेड और आउटफ्लो कितने थे थाउजेंड तो यहां पर जो हमारी रेशियो आई वो कितनी आई वन इज टू वन पॉइंट फाइव रेशो वन तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए प्रोजेक्ट ज्यादा बेनिफिशियल है तो अकॉर्डिंग टू पीआई टेक्निक हमें किसके साथ जाना चाहिए प्रोजेक्ट ए के साथ जाना चाहिए जब भी हमारी पी आई ग्रेटर देन वन आए तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और पी आई अगर लेस देन वन आए तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए और इन केस आपकी जो पी आई है वो मोर देन वन प्रोजेक्ट की ग्रेटर देन वन आ रही है तो आपको उस प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए जिसकी पी आई की रेशियो हाइएस्ट है ठीक है अब हम बात करेंगे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की तो सबसे पहले एडवांटेज यहाँ पर क्या लिखी है दैट इट टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कि ये जो मेथड है पीआई मेथड ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को ध्यान में रखता है दूसरा एडवांटेज क्या लिखा है दूसरा एडवांटेज यहाँ लिखा है दैट इट कंसिडर्स ओल्ड कैश फ्लोज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रोजेक्ट कि प्रोजेक्ट की लाइफ टाइम में जितने भी रिटर्न एस्टिमेट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन उन सभी रिटर्न की प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है और फिर आगे फॉर्मूला में पुट की जाती है पी आई कैलकुलेट करने के लिए तो ये थे हमारे दो एडवांटेजेस डिसएडवांटेज क्या है फर्स्ट डिसएडवांटेज है दैट दिस मेथड इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट अगर हम इस मेथड को कंपेयर करें प्रीवियस मेथड से तो ये मेथड जो है डिफिकल्ट है दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो कैलकुलेशंस की जाएंगी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होंगी इन कंपैरिजन टू द कैलकुलेशंस दैट वी परफॉर्म्ड इन द अर्लियर मेथड्स तो ये थी दो डिसएडवांटेज तो ये था हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन आई होप सो कि आपको ये जो मेथड है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय